मित्रों, आप सभी का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है। एनडीए के बिहार यूनिट के हम तीनों घटक भारतीय जनता पार्टी, जदयू और आरएलएसपी, लोक जनशक्ति पार्टी, तीनों पार्टियों के नेताओं ने आज बैठकर नंबर ऑफ सीट के बारे में अलायंस का प्रारूप आज फाइनल किया। लंबी चर्चा के बाद ये तय हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जदयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और लोक जनशक्ति पार्टी 6 लोकसभा सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेगी। और रामविलास पासवान साहब भी एनडीए के प्रत्याशी नाते इमीडिएट जो राज्यसभा का चुनाव आएगा उसमें एनडीए के प्रत्याशी रूप में राज्यसभा में एनडीए की ओर से आएंगे। पूरे बिहार की जमीनी राजनीति हकीकत, हर सीट का राजनीतिक स्थिति और एनडीए के गठबंधन की स्ट्रेंथ को देखकर सर्वानुमत से तीनों पार्टियों ने यह फैसला लिया है और तीनों पार्टियों के नेता जब इस सीट के लिए चर्चा करने के लिए बैठते थे तब बिहार की जमीनी हकीकत को, राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखकर जो स्थिति आई है, तीनों पार्टियों को भरोसा है कि 2019 के चुनाव में 14 से भी ज्यादा सीटें बिहार में एनडीए का गठबंधन जीतेगा और फिर से एक बार केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। इस विषय पर तीनों पार्टियों के नेताओं ने अपनी श्रद्धा व्यक्त करी। आने वाले दिनों में कौन सीट कौन पार्टी लड़ेगी इस पर भी हम बैठकर चर्चा करेंगे और इस विषय को थोड़े समय के अंदर हम फाइनल करेंगे। एक साझा कैंपेन किस प्रकार से एनडीए का बिहार में चले, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पासवान साहब, चिराग भाई, हमारे उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी, ये सब बैठकर इसका एक कच्चा खाका बनाए हैं, उसको भी हम आने वाले दिनों में एक फाइनल स्वरूप देकर जल्द ही बिहार की जनता के सामने एनडीए का राजनीतिक एजेंडा लेकर हम जाएंगे। मैं अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी से निवेदन करता हूं, वो आपसे बात करें, बाद में पासवान साहब भी करें। जब श्री अमित शाह जी ने बिहार में सीटों के बंटवारे के बारे में घोषणा कर दी उसके बाद कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये जब तय हो गया तो अब हम सब लोग मिलकर आगे काम करेंगे और जहां तक किस सीट पर कौन लड़ेंगे इसके बारे में श्री अमित शाह जी ने भी बता दिया, उसके बारे में हम लोग आपस में बैठकर बात करेंगे और तीनों पार्टियों के नेता भी बैठकर बात करेंगे और जैसे भी होगा उसमें भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, यह सब चीज़ हम लोग तय कर देंगे। और हम लोगों को खुशी है कि आज जब बिहार में 17 बीजेपी, 17 जेडीयू और 6 लोजपा के बारे में तय हो गया है और उसके साथ साथ श्री रामविलास पासवान जी के लिए ये तय हो गया है कि एनडीए की तरफ से ये राज्यसभा में जाएंगे, इतने लंबे अवधि की जो इनकी सेवा है देश की उसको ध्यान में रखते हुए यह भी निर्णय लिया गया है। तो 6 सीट बिहार से लड़ेंगे, उसके अलावे ये एनडीए के रूप में देश के किसी भी कोने में, जिसके बारे में श्री अमित शाह जी ने बताया कि जहाँ से भी पहले चुनाव होने वाला होगा वहाँ से ये निर्वाचित होकर आएंगे, इसलिए हम सब लोगों को इसके लिए भी खुशी है। और तो ये हम लोग, मैं इसके लिए भी और अपनी तरफ से भी
और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने रामविलास पासवान जी की प्रतिष्ठा का पूरे तौर पर ख्याल रखा और मिलकर हम लोग पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। और जहाँ तक बिहार का प्रश्न है, बिहार में हम लोग बहुत अच्छी सफलता हासिल करेंगे। मेरी तो आदत है नहीं कोई ज़रूरत से ज़्यादा बोलने की, आज तक हम नहीं बोलते रहे हैं, लेकिन एक बात हम आप लोगों को बता दें कि 2009 में बीजेपी और जेडीयू का बिहार में गठबंधन था और एनडीए था, तो उस समय पूरे देश का जो भी परिणाम आया, लेकिन बिहार में 40 में से 32 सीटें हम लोगों ने हासिल की। तो मैं समझता हूँ कि माननीय अमित शाह जी सोच रहे हैं कि 2014 वाले से ज़्यादा जाएंगे, मैं तो कहता हूँ कि 2009 वाले से भी ज़्यादा सीटों पर जीतेंगे और पूरी मजबूती के साथ जीतेंगे और हम सब लोग मिलकर इसके लिए सशक्त अभियान चलाएं। और अब तक जो कई तरह के स्पेकुलेशन होते रहते थे, चूँकि इसके बारे में कोई घोषणा नहीं हुई थी, उसके चलते तरह तरह के स्पेकुलेशन होते रहते थे, लोग जिसकी जो इच्छा वो अपना विश्लेषण करते रहते थे बिहार के बारे में, सीटों के बंटवारे के बारे में। तो आप सबको मालूम ही है कि अक्टूबर महीने में ही श्री अमित शाह जी ने यहीं पर इस बात का ऐलान कर दिया था, घोषणा कर दी थी कि अभी हम लोगों की बातचीत चल रही है और बराबर बराबर सीटों पर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़े और बाकी सहयोगी दलों के साथ बातचीत चल रही है, आप सब जानते हैं। तो अब वो बातचीत अंतिम तौर पर हो गई है और उसका जो निर्णय है उसके बारे में श्री अमित शाह जी ने आपको जानकारी दे दी। मैं तो सिर्फ जो इन्होंने जानकारी दी है मैं उसी का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। साथियों, मैं सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को, हमारे साथी और भाई नीतीश जी को, और अभी नहीं हैं लेकिन अरुण जेटली साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसके अलावे चिराग पासवान हैं, जो मैंने शुरू में ही कहा था कि पूरा का पूरा संगठन का, सीट शेयरिंग का सब चीज़ देख रहे हैं, बिहार के हमारे अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस, ये दोनों मिल करके, और इधर से जो है भूपेंद्र बाबू, भूपेंद्र यादव जी और नित्यानंद राय जी भी बिहार के अध्यक्ष हैं भाजपा के। तो सब लोगों का प्रयास रहा, लेकिन हमने जैसा कहा अमित शाह जी को पार्टी के राष्ट्रीय भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और ये सम्मान जो हमेशा से सब लोगों की राय थी कि जो भी समझौता हो सम्मानजनक ढंग से जो है आपस में तय करते हैं कि बैठ करके सीट का समझौता हो जाए, ऐसे कभी कुछ ऐसा था नहीं, मामला कुछ था नहीं, लेकिन उसके बाद जो है बीच में दो तीन दिन तक ऐसा चला कि जैसे कि मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत कहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग शुरू से ही आप जानते हैं कि जो है चिराग ने एनडीए का जो आने का फैसला था, चिराग का क्या कहते हैं कि मेन रूप से भूमिका था पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से, और उसके बाद जो है एनडीए जो है 5 साल से हम लोगों ने इस पौधा को सींचा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और अगला जो चुनाव आएगा एनडीए की फिर से सरकार बनेगी। और जहां तक क्या कहते हैं कि बिहार का सवाल है, जैसा कि नीतीश जी ने कहा कि बिहार में जितना सीट अभी तक जो मिला है उससे ज़्यादा टारगेट तो रहना चाहिए 40 में 40 सीट का, है ना, लेकिन हम जितना भी जो है एकाध दो सीट हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि सभी सीट पर जो है सो हम कब्जा क्या कहते हैं कि करेंगे। और हम आप सब लोगों को क्या कहते हैं कि जो है सो धन्यवाद देना चाहते हैं, मीडिया के सभी साथियों को भी क्या कहते हैं कि हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और बस इतना ही कह करके जो है आप अपनी बात को समाप्त करते हैं। बिहार से लड़े अभी जो तय हुआ, मैंने कहा बिहार की सीटों के बारे में 17 सीट भारतीय जनता पार्टी, 17 सीट जदयू, 6 सीट एलजेपी लड़ेगी और पासवान साहब एनडीए की ओर से इमीडिएट होने वाले राज्य से
राज्यसभा में आएंगे। बता दिया ना पासवान साहब ने 40 में से 40। चलिए भूपेंद्र राजा।